दोस्तों INS वागीर पिछले 2 सालों में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में शामिल होने वाली तीसरी पनडुब्बी है। पूरे भारत के लिए यह बड़े गर्व की बात है। INS वागीर पनडुब्बी को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह दुश्मन का सीना चीर देने की ताकत रखती है। सबमरीन में हथियार लगाने से लेकर इसके ट्रायल तक का सब काम पूरा हो चुका है। तलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर 23 जनवरी को नौसेना को सौंप दी गई है। भारत में इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई द्वारा मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया गया है। यह पनडुब्बी दुश्मन का सीना चीर देने की ताकत रखती है। दोस्तों सबमरीन में हथियार लगाने से लेकर इसके ट्रायल तक का सारा काम पूरा हो चुका है। INS वागीर स्कॉर्पिन यान की एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। यह किसी भी तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। इसके लिए आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणाली से लैस यह पनडुब्बी खुफिया जानकारी एकत्रित करने के साथ साथ समुद्र में बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह हर समय और हर परिस्थिति में काम कर सके। कलवारी क्लास की इस पनडुब्बी की ऊंचाई तकरीब 40 फीट और लंबाई तकरीबन 220 फीट है। इसमें एक डीजल इंजन है और विकल्प के तौर पर 360 बैटरी सेल्स भी लगे हैं। दोस्तों इस पनडुब्बी की खास बात तो यह है कि पानी की सतह पर यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन पानी के अंदर इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह सबसे कम समय में बनने वाली भारतीय पनडुब्बी है। बस इतना ही नहीं, INS वागीर की गति ही इसकी परफॉर्मेंस को तय करती है। यह पानी के अंदर लगातार 50 दिन तक रह सकती है और 350 फीट गहराई तक जा सकती है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह एक बार में 1020 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। हालांकि गति ऊपर नीचे करने से इसकी दूरी घट या बढ़ सकती है। दोस्तों INS वागीर में 8 सैन्य अधिकारी और 35 जवान तैनात किए जा सकते हैं। इसका वजन तकरीबन 1500 टन है। INS वागीर में एंटी टॉर्पीड काउंटर मेजर सिस्टम भी है। इसके अलावा इससे एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। यह पानी के अंदर 30 समुद्री बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। इसके अलावा यह समुद्र में दुश्मनों की निगरानी करने में भी सक्षम है। दोस्तों आधुनिक तकनीक से स्वदेश में ही बनी यह पनडुब्बी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदमों का परिचायक है। दोस्तों INS वागीर को नया शिकारी के नाम से भी पुकारा जा रहा है। तो दोस्तों दुश्मन की सीना चीर देने की ताकत रखने वाली INS वागीर पनडुब्बी के बारे में यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।